हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल दिस इज़ रेहाना और इस वीडियो में हम लेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ यूपी टीजीटी 2009 के टेन क्वेश्चंस लेंगे हम 20 क्वेश्चंस पहले कर चुके हैं हम तो अब हम 21 से स्टार्ट करेंगे पहले वीडियो के जो भी लिंक्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी क्वेश्चन ट्वेंटी है डिक्रीज़ इन करेंट लाइबिलिटीज़ इज़ करेंट लाइबिलिटीज़ जब डिक्रीज़ होती है तो उसका क्या मतलब होगा वो सोर्स ऑफ इनकम है सोर्स ऑफ कैश यूज़ ऑफ कैश है नन ऑफ वन एंड टू या फिर बोथ वन एंड टू तो लाइबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है यानी कि हम लाइबिलिटी पे कर रहे हैं पे कर रहे हैं तो ऑबियस ही बात है कि यूज़ ऑफ़ कैश होगा तभी लाइबिलिटी कम होगी करेंट लाइबिलिटीज़ तो ऑप्शन टू विल बी करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू करंट लाइबिलिटीज आर इक्वल टू करंट लाइबिलिटीज इक्वल होती है तो जो वर्किंग कैपिटल होती है वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज अब यहाँ पे जो भी हमें टर्म्स दी हुई हैं उसमें करंट लाइबिलिटीज नहीं है तो हमें करंट लाइबिलिटीज किसके इक्वल है ये भी निकालना है तो करंट लाइबिलिटीज अगर हम इसको यहां ले जाते हैं और इसको यहां ले आते हैं तो होगा करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो है ऑप्शन फोर करंट असेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट लाइबिलिटीज क्वेश्चन ट्वेंटी थर्ड है इन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है नो कंपनी गोज इंटू लिक्विडेशन कोई कंपनी लिक्विडेशन में नहीं जाती है ओनली वन कंपनी गोज इंटू लिक्विडेशन वन और मोर कंपनीज गो इंटू लिक्विडेशन टू और मोर कंपनीज गो इंटू लिक्विडेशन तो इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन में क्या होता है ये एक मेथड है कैपिटल को रिड्यूस करने का उसमें कोई कंपनी लिक्विडेशन में नहीं जाती है बस उसका फॉर्म जो है चेंज हो जाता है उसके कैपिटल uh, रिड्यूस हो जाती है उसको रिकन्स्ट्रक्ट कर दिया जाता है विदाउट वाइंडिंग इट अप सो जो उस इसका ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन वन करेक्ट होगा नो कंपनी गोज इन टू लिक्विडेशन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर इज इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ शेयर कैन बी डिटरमाइंड बाय इंटरेंसिक वैल्यू शेयर की इंटरसिक वैल्यू कैसे डिटरमाइंड की जाती है इट इज डिटरमाइंड बाय नेट एसेट्स मेथड क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव इज इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन द डिमांड कर्व ऑफ अ फर्म इज परफेक्ट कॉम्पिटिशन में एक फर्म की जो डिमांड कर्व होती है वो कैसी होती है वो हॉरिजोंटल होती है तो ऑप्शन वन विल बी करेक्ट ट्वेंटी सिक्स में कुछ प्रॉब्लम है इसको हम छोड़ रहे हैं हम आते हैं ट्वेंटी सेवन पे हु इज द चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन अब तो प्लानिंग कमीशन जो है वो डिजोल्व हो चुका है टू थाउजेंड फोर्टीन में लेकिन इसके चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर इसकी जगह पे अब जो आया है वो है नीति आयोग उसके चेयरमैन भी प्राइम मिनिस्टर होते हैं यानी कि इस टाइम नरेंद्र मोदी जी उसके प्राइम चेयरमैन हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन ट्वेंटी एट द डेबिट बैलेंस इन नॉमिनल अकाउंट शोज नॉमिनल अकाउंट में डेबिट बैलेंस क्या शो करता है हम एक नॉमिनल अकाउंट का एग्जाम्पल ले लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ठीक है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो डेबिट साइड होती है उसमें हम लॉसेस दिखाते हैं या फिर एक्सपेंसेस दिखाते हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि जो इसका आंसर करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन वन एक्सपेंसेस क्वेश्चन ट्वेंटी नाइन इज द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ऑन हायर परचेज सिस्टम इज ट्रांसफर टू किस में ट्रांसफर किया जाता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हायर परचेज सिस्टम में तो इसको ट्रांसफर किया जाता है हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन एंड थर्टियथ क्वेश्चन है शॉर्ट वर्किंग इज इक्वल टू शॉर्ट वर्किंग किसके इक्वल होती है तो ये इक्वल होती है मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी का यानी जो मिनिमम रेंट फिक्स होता है जब हम उसमें से रॉयल्टी को माइनस कर देते हैं जो रॉयल्टी बन रही है तो शॉर्ट वर्किंग निकल आता है सो ऑप्शन वन इसका करेक्ट होगा थर्टी वन क्वेश्चन एंड आगे के जितने भी क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे दैट्स इट फॉर टुडे Thank you.